नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से आप चैन और पुट्ठा जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें कंप्लीट करा था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपनी बेल्ट चढ़ाएंगे, पुट्ठे की सिलाई लगाएंगे और लुपियों की सिलाई लगाएंगे, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे पैंट को। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा, ठीक। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पैर की सिलाई लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस वाले में जिसमें फलाई है, ठीक है, हमारी लगी हुई बगैर चैन जिधर लगी हुई है, ठीक है, इधर साइड में मैं ऊपर से सिलाई लगानी है इसमें पुट्ठे पे, ठीक है। मैं ऊपर से लगा लेता हूँ बिल्कुल सीधी। और दोस्तों यहाँ पर हमें टाँके मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही टाँके लगा चुका हूँ मजबूत, ठीक है, इसलिए अब ज़रूरत नहीं है। पहले लगाने से क्या होता है, हमारी यहाँ पर कभी फटेगी नहीं पैंट, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और जिधर हमारी चैन है इधर क्या करेंगे, हम नीचे से सिलाई लगाएंगे, ठीक है, बैक की साइड में। अब हम यहाँ पे लुपियाँ भी लगा लेंगे सिलाई लपकी, ठीक है, दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। हमने यहाँ पे तीन लुप्पी बनाई है, ठीक है, आराम से हमारी आठ लुप्पियाँ बैठ जाएंगी इसमें। दोस्तों यहाँ पे हम 4 इंच की लुप्पी निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारी लुप्पियाँ निकल आई आठ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बेल्ट चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें बेल्ट जो है फिलाई वाले पल्ले में चढ़ानी होगी, इधर सेल्फ है, ठीक है। ये जो सेल्फ का आखिरी वाला जो निशान है, ये वाला जो निशान है, यहाँ से हम इसको चढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर टाँकी लगानी है ताकि हमारी खुले ना सिलाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लुप्पियों के निशान लगाएंगे। तो लुप्पी के निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे नापेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे 1.5 इंच पहले छोड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे एक लुप्पी हमारी लग जाएगी, ठीक है। अब हम बीच का यहाँ पे नाप लेंगे, तो 15.25 आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसका चौथाई रखना है 15.25 का, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। 4.25 में थोड़ा एक सूत कम, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप चौथाई इसका नाप के रख दें, अगर 4 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं तो उस हिसाब से रख दें, ठीक है। तो यहाँ पे 33 कमर है, तो इसलिए हम चौथियाई रख रहे हैं। 1.5 इंच पीछे छोड़ दिया और बाकी हमने बीच का चौथियाई कर दिया, ठीक है। तो हमारी लुप्पी जहाँ पे आने की होगी वहाँ पे कंप्लीट आ जाएगी। एक लुप्पी तो यहाँ पे हमारी क्रीज पे आ रही है, ठीक है, एक लुप्पी हमारी ये जीएम के पास आ रही और ये डांट के पड़ोस में आ रही, ठीक है। और एक लुप्पी है पीछे निशान लगा दिया, 1.5 इंच इस पर लगा दें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये प्रेस तो मैंने पहले ही तोड़ लिया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर से सिलाई लगाएंगे, इतना छोड़ देंगे, ठीक है। और ध्यान रहे बेल्ट चढ़ाते समय एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो पैंट का कपड़ा है या हल्का सा खींचते रहें, ठीक है, क्योंकि इससे नम ना हो, ठीक है, नम ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। नम नहीं होगी तो हमारी बेल्ट बिल्कुल साफ़ सुथरी चढ़ेगी। ये हमारी लपकी सिलाई लग गई, अब हम लुप्पी की टाँकी लगा लेंगे, ठीक है। तो लुप्पी की टाँकी हमें लगानी है लगभग आप 1.25 इंच के नीचे लगा दें, ठीक है।
पौन इंच चाहें तो हल्का सा कम कर दें, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पौन इंच से कम ही रखें, थोड़ा सा बस, आधा सूत वगैरह। अब हम अपनी लपकी सिलाई के साथ ही लुप्पी टांगते चले गए, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए लुप्पी हमारी बिल्कुल फिक्स आ रही है, यहाँ पे 4 इंच की हमने रखी है, तो अब टांकी भी साथ में लगाते चलें। और लुप्पी को हल्का सा लूज रखें, ज़्यादा खींचे ना, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा नम देना है, क्योंकि हम बेल्ट जब लगाएंगे, पहनने के बाद जब बेल्ट पहनते हैं लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्की सी उठी हुई रहना चाहिए लुप्पी, बिल्कुल टाइट रहेगी तो यहाँ पे टूटने का डर रहता है, ठीक है। अब ये हमारी इधर साइड की बेल्ट चढ़ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लुप्पी के अंदर अगर दबाव है तो हम उसको छांट देंगे, ये इस तरीके से। ये देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट चढ़ गई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी बेल्ट इधर की कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम इसको जोड़ते हैं यहाँ पे, इसकी जुड़ाई में ही होता है, अगर आप जुड़ाई ठीक से करेंगे तभी आपकी पैंट बैठेगी, अगर जुड़ाई आप ठीक से नहीं कर रहे हैं तो पैंट की क्रीज इधर उधर हो जाएगी, ऐंठ जाएगी, ठीक है, तो फिर आएगी नहीं। तो आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम इतना इधर छोड़ देंगे, ठीक है, और इधर, तो चाहे आपकी कहीं पर भी आए, थोड़ा बहुत इधर उधर आप हटा लें, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। तो हम अब इसको जोड़ लेते हैं, बिल्कुल सही है, आपको इधर उधर बिल्कुल हटाना नहीं है, यहाँ पे हम दबा लेंगे मुँह से, ठीक है, और इधर भी इतना आए तो इतना ही हम पकड़ेंगे, ठीक है, हमें इधर उधर खसकाना नहीं है, ठीक है। इसकी जुड़ाई बहुत ख़ास होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब एक सिलाई लग गई, ठीक है, अब मैं एक और इस पर लगा लेंगे। अब सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाना है, ठीक है, दूसरी वाली, वरना आप चिरमा करेंगे तो वो हट जाएगी इधर उधर। ठीक है, हम इतनी लगाएंगे कि इतना ही जोर पड़ता है पूरी पैंट पे, नीचे ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब ये हमारा पल्ला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा वाला इस पर हम चढ़ाते हैं बेल्ट, ठीक है। इसको भी, इसकी बेल्ट देख लीजिए, थोड़ी अलग से चढ़ती, अलग तरीके से चढ़ती है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लुप्पी के निशान लगाएँगे। अब हमें बेल्ट पर नई निशान लगाने हैं, अब हम यहाँ पर अपने नाप के लगा लेंगे। ये हमें पुट्ठा से पुट्ठा मिला लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लुप्पियों के जगह पे चाक से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे निशान कंप्लीट होगा, ठीक है। अब हम जो है इस पर इस तरीके से बेल्ट को रख लेंगे, और इधर वाला में कुटका मिला लेना है जो चैन के पास है, ठीक है, उधर जितना आ रहा है उसे आने दें। अब हमारे जो चाक के निशान हैं उन पर भी हमें चलना है, ठीक है। अब हम एक पल्ला इसका चैन का खोल लेंगे, अब हम बिल्कुल सीधा रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम इसको मोड़ लेते हैं, अब हम इसे छांट देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे हमारी टिकट पॉकेट है, तो यहाँ टिकट पॉकेट तक हम ऐसी सिलाई खुली लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारी सिलाई लग गई इतनी जितनी टिकट पॉकेट है। अब हम इसे बंद कर लेंगे बेल्ट को,
ठीक है। हमें इधर दबाव अपना सीधा रख कर लेना है, ठीक है। नीचे से आप इसका दबाव सीधा करते रहें। अब यहाँ पे हमने टांकी लगा दी, अब हम इधर भी टांकी लगा देंगे और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको मोड़ लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसको अस्तर को मोड़ लिया हमने, अब हम लगाते हैं सिलाई। तो हमारी इधर की सिलाई कंप्लीट हो गई, ठीक है। हमें इतनी सिलाई हमने छोड़ दी है, ठीक है, और इधर भी लग गए, ठीक है। अब हम लुप्पी यहाँ पे टाँकेंगे, यहाँ पे 1.25 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे टाँकें लुप्पी। अब हम यहाँ पे अपनी टिकट पॉकेट बाहर निकाल लेंगे ताकि ये टके ना लुप्पी में। अब हम इसी तरीके से इसमें सीधी लुप्पी टाँक लेंगे जिस तरीके से हमने उधर वाले में टाँकी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है बेल्ट देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, दोनों चढ़ गई हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से आपको सेम इधर वाले भी चढ़ाना है, और वैसे ही आपको पल्ला ये जोड़ना है, ठीक है। ये वाला जैसे हमने इस वाले में बताया उसी में सेम टू सेम जोड़ना था, इसलिए मैंने दिखाया। तो दोस्तों अब क्या होगा, अब हम इसमें इसकी जुड़ाई करेंगे, ठीक है। तो जुड़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं अगले पार्ट में आपको जुड़ाई इसकी बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से ताकि समझ में आ जाए आप लोगों के, ठीक है। तो अगर आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।